हाँ जी बच्चों, जिन लोगों ने कर लिया है प्लीज रेज योर हैंड। जिन बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी ने नहीं किया अभी तक। चलिए प्लीज कंटिन्यू। पानी का गिलास पड़ा। हाँ जी स्टूडेंट, समझ आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन? यस नो एनीथिंग? बच्चे नो। ओके चलिए फिर देखिए कैसे करना है। बच्चों हमें चेक करना है कि इस पूरी टर्म का क्यूब रूट इसके इक्वल है या नहीं है। जी सबसे पहला स्टेप क्या करना है, देखिए आप सी न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, ए इज ऑल्सो देयर इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो हम इनको कट कर देते हैं जी पावर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करके। कौन कौन से रूल्स यूज करेंगे हम बच्चे? ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एन, ये किसके इक्वल हो जाता है? एम माइनस एन, राइट? यस और नो यस बेटा? अगर आप पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, बेसिस सेम है। सिमिलरली अगर पावर को नीचे लेके आएंगे, सपोज ए अपॉन एम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पावर को नीचे लेके आ रहे हैं तो एन माइनस एम हो जाएगा। तो दिस रूल विल अप्लाई हेयर, दिस इज माइनस ए इज ए रेस टू पावर 6, ए रेस टू पावर 12। तो हम ए को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं जी, बी विल बी हेयर एंड सी पावर विल टेकन इन द न्यूमरेटर। ये स्टेप सबको समझ आया बच्चे? अगर ये एम है ये एन है तो एन ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, राइट और नॉट? यस मीन्स हमारे पास लिखा हुआ है सी रेस टू पावर 21 अपॉन सी रेस टू पावर 9, तो इट कैन बी रिटर्न एज 21 माइनस 9। क्लियर जी? इज दिस क्लियर? यस चलिए तो ये क्या बन जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचेगा? ए रेस टू पावर 12 माइनस 6 होल क्यूब रूट, राइट जी? सो व्हाट इट बिकम्स? माइनस बी क्यूब 21 माइनस 9 12 अपॉन। यहां तक कोई डाउट बच्चों? नो, सर नो राइट? नाउ ये पावर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, माइनस बी रेस्ट टू पावर 3 अपॉन 3 इंटू सी 12 अपॉन 3। ये स्टेप समझ आया या नहीं आया जी? बच्चे ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ए रेज टू पावर एम होल रेज टू पावर एन, पावर्स टू पावर आर मल्टीप्लाइड। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, इस पावर से सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया सेपरेटली, तो ये 3 कैंसल हो गया, 1 4 एंड 2। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद? दी सी रेज टू पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, माइनस साइन विल रिमेन एज इट इज क्योंकि क्यूब है। तो आप देखिए आर दे सेम और नॉट? आर दे सेम और सर विल बी ट्रू? ट्रू यस सर करना था तो इट विल बी ट्रू। कोई स्टेप नहीं समझ आया किसी स्टूडेंट को? प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। एनीथिंग नॉट क्लियर? चलिए नोट कीजिए बच्चों इसको। हो गया बच्चों नोट? चलें आगे। सर यस एक्सक्यूज मी सर।
यस सर अभी हमारा थोड़ा सा रहता है नोट करने के लिए। कर लीजिए बच्चे, अभी तो नीचे वाला तो पढ़ा हुआ है। हो गया जी अब। सर यस। हाँ जी बच्चे, जिसका पढ़ा हुआ था अभी हो गया नोट या नहीं जी? सर हो गया। हो चलिए ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? ये आप करेंगे बेटा 8th क्वेश्चन। तो मैं आपके लिए इजी फॉर्म में लिख देता हूँ, 288 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 432, 1/3 इंटू 648, 432, राइट? वी हैव टू चेक दिस। हाँ जी बच्चों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, सबकी पावर अगर सेम है तो व्हाट वी कैन राइट, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बेटा, ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एम, किसके इक्वल होता है जी? ये ए बी रेज टू पावर एम के, यस और नो? यस बेटा किसी की आवाज नहीं आ रही, क्या समझ नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉपर्टी नहीं पता है आपको ये वाली? अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चंस, प्लीज पार्टिसिपेट। बच्चे ये क्लास मैं अपने लिए नहीं रख रहा हूँ, ना ही टीचर्स के लिए है जो प्रेजेंट है, दिस इज फॉर ऑल द किड्स। अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज देर इज नो यूज ऑफ दिस क्लास, और आपको तभी समझ आएगा जब आप पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस एक्सपोनेंट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है, सो वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। व्हाट वी कैन राइट, 288 मल्टीप्लाइड बाय 432 मल्टीप्लाइड बाय 648 रेज टू पावर 1/3, यस और नो? यस नाउ अब क्या करेंगे, आप इनके प्राइम फैक्टर्स बना दो अलग अलग से। 288 के प्राइम फैक्टर बनाइए, 432 के एंड 648 के, जल्दी से बनाइए जरा प्राइम फैक्टर्स इसके। आते हैं ना प्राइम फैक्टर्स बनाने? यस बच्चों, प्राइम फैक्टर्स बनाने यस आते हैं? चलो यस जल्दी से बनाइए जरा इसके प्राइम फैक्टर्स। एट बी इज देयर सम प्रॉब्लम विद योर वीडियो? 8B, हाँ जी 288 के प्राइम फैक्टर्स बन गए बच्चों आप लोगों के। चलिए यस देखते हैं क्या क्या बने, बताइए जरा क्या बने बच्चों। व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 288? टू टू 144 यस 270 देन 236 देन 218 देन 33 ये क्या बन गए बच्चे? 2 रेज टू पावर हाउ मेनी? 2, 3, 4, 5, 6, 5।
इट इज 2 रेस्ट पर 5 इंटू 3 रेस्ट पर 2। यस और नो? यस नाउ मेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 432। सर द प्राइम फैक्टर ऑफ 432 इज जस्ट सर 2 216। जस्ट ए मोमेंट, टू मैं जरा आराम से लिखता हूँ, जरा मेरी स्पीड आपसे थोड़ी कम है। हाँ जी, उसके बाद देन सर 2 108। सर टू फिफ्टी फिफ्टी फोर फोर देन सर 227। वेरी गुड, देन सर 39। सर 33। राइट। सर सो दिस बिकम्स 2 रेस्ट पर 4 इंटू 3 रेस्ट पर 3। यस नाउ प्लीज मेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 648। प्लीज मेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 648। सर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 648 आर जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी बच्चों, राइट। 2 324, 2 162, 162, 281, राइट 327, राइट 39, राइट 33, राइट 31। राइट। तो दिस कम्स आउट टू बी 2 रेस्ट पर 3 इंटू 3 रेस्ट पर 4। इज दिस क्लियर जी? इज इट क्लियर? नाउ वी हैव पावर ऑफ 2 एज 5 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 3 रेस्ट पर 2 प्लस 3 प्लस 4। इज दिस स्टेप क्लियर जी? बेटा पावर्स ऐड हो जाएंगी यहाँ पे, 2 वाली सारी और 3 वाली सेपरेटली। इज इट क्लियर? सो दिस बिकम्स 2 रेस्ट पर 12 इंटू 3 रेस्ट पर 9। इज इट क्लियर? नाउ पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए जी दिस प्रॉपर्टी लगा के, ए रेस्ट टू पावर एम रेस्ट टू पावर एन। सो व्हाट इट बिकम्स? 2 रेस्ट पावर 12 इंटू 1/3 इंटू 3 रेस्ट पावर 9 इंटू 1/3। ये स्टेप क्लियर है बच्चों? इज दिस स्टेप क्लियर और नॉट? सर यस। तो 3 4s are 12 एंड 3 3s are, सो व्हाट वी गेट? इसके बाद मैं बेटा यहां पे लिख रहा हूं, 2 रेस्ट टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेस्ट टू पावर 3। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लें, 2 रेस्ट टू पावर 4 क्या बनेगा बच्चों हमारे पास? 16 इंटू 27, राइट? बच्चे 2 रेस्ट टू पावर 4 कितना होता है? 16, और 3 रेस्ट टू पावर 3 27। अब यस इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, इट कम्स आउट टू बी 432। तो इट्स आंसर इज ट्रू। गॉट इट? प्लीज सर यस। नोट डाउन बच्चों, अगर आपको एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज आती है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर नहीं आती है तो डू विजिट इट अगेन, डू टाइम एंड अगेन, क्योंकि आपके बहुत सारे टॉपिक्स में एक्सपोनेंट्स का यूज आना है बच्चों, प्रॉपर्टीज का यूज आना है। सो आपको बाय हार्ट होनी चाहिए एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी, एंड यू शुड नो हाउ टू यूज इट। आपको पता भी होना चाहिए और यूज करना भी आना चाहिए, ठीक है जी? प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन।
हो गया बच्चों नोट डाउन? चलिए आगे चलते हैं जी। नहीं हुआ? हो सर हो गया गया ना? यस। तो हमारे अब ये वाले क्वेश्चन ट्रू फॉल्स फिनिश्ड। एमसीक्यूज हमने कौन कौन से कर लिए थे बच्चों? और फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं हुआ था हमारा? नो सर लो कोई बात नहीं, थर्ड करते हैं बच्चों। थर्ड आप लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है मुझे। यस और नो? सर हाउ मैनी विल डू इट प्लीज रेज योर हैंड, जो करना चाहते हैं खुद। ओनली फ्यू, हर क्लास में दो चार बच्चे। चलिए प्लीज आप लोग तो कीजिए, बाकी लोग भी एक बार ट्राई कीजिए बच्चे। नहीं होता तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, राइट? मैं नाम लेके पूछ लूँ? हाँ जी, कोमल प्रीत 8B। वेर इज कोमल प्रीत 8B? इज कोमल प्रीत देयर इन द क्लास? नो नो, शी इज एबसेंट। एट्थ सी में है। 8th कोमल प्रीत, मेरे पास जो बी में है, सी में है जी कोमल प्रीत। यस सर ओके बच्चे, इफ बाय मिस्टेक इन माई लिस्ट इट इज इन सेक्शन बी, देर इज नथिंग टू लाफ, राइट? यस और नो? हाँ जी बेटे, आ जाइए आप माइक के पास आ जाइए। कोमल कोमल यस, कोमल प्रीत एट सी। बच्चे मुझे नजर नहीं आ रही है, शी इज वेदर। सर शी इज इन एट बी। अच्छा 8th B में है, बट शी इज नॉट प्रेजेंट टुडे। और शी इज प्रेजेंट? प्रेजेंट अच्छा जी, हाँ जी कोमल प्लीज, अच्छा कम टू द माइक टीचर। यस हाँ जी बेटा, आपको क्वेश्चन आता है ये वाला थर्ड क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू? अभी मैंने करना है तो अच्छा आता है या नहीं, समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है जी? रहा है बताइए कैसे करेंगे बेटा इसको। पहले रेशो वाले को एक्स करेंगे फिर एक्स करेंगे अच्छा जी, फिर देन एंड प्लस करेंगे उन्हें फिर किसको प्लस करेंगे बेटा? रेशो को प्लस करेंगे। यस उन्हें पहले एक्सपोज करेंगे एक्स सपोज कर लिया, उसके बाद प्लस कर दिया जी। प्लस करेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? सिक्स एक्स सिक्स हाँ जी, एक्स हाँ जी, 6x, 6x हो जाएगा। बच्चे आप अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ देयर क्यूब्स। नंबर्स का क्यूब नहीं करना है, क्यू सम ऑफ देयर क्यूब्स। प्लीज सिट डाउन। हाँ जी बच्चों, पीयूष इन 8C। आ जा बेटा, आ जा फटाफट से आ जा। प्रेजेंट हाँ जी, हाँ जी, देख लिया मैंने। हाँ जी बेटा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पीयूष सर डिवाइड कर देंगे किससे? सर 6 को सर 9 8 7 8 4 से सर अच्छा जी, फिर क्या बचेगा? अभी सर कर रहे हैं डिवीजन अच्छा प्लीज कीजिए जी। बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, द सम ऑफ देयर क्यूब। मैं फर्स्ट स्टेप आपको बता देता हूं,
रेशियो गिवन है 1:2:1:2:3 है। यस, अगर आपको रेशियो ये गिवन है तो क्या करना है आपने, लेट एक्स बी द कॉमन रेशियो, तो नंबर आपके पास क्या हो गए, देन नंबर्स भी एक्स 2x एंड 3x। थ्री नाउ व्हाट ही सेज, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नंबर, जो भी 6 से कर रहे हैं दे आर डूइंग इट रॉन्ग। सी फर्स्ट नंबर इज दिस, इसका क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब। सेकेंड नंबर इज 2x, सो इट्स क्यूब प्लस 3x होल क्यूब इज इक्वल टू 9 8 7 8 4। दिस विल बी योर इक्वेशन, इसको सॉल्व कीजिए, तो नाउ इट विल बिकम एक्स क्यूब प्लस 4x³ प्लस। क्लियर हुआ बच्चों क्वेश्चन, सर यस। अब इसको सॉल्व कीजिए जी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बच्चे, हाँ सर आपने क्यूब गलत नहीं ले लिया? जी, एटलीस्ट आप लोगों ने पॉइंट आउट तो किया। ठीक है, सो इट विल बी 8x³ प्लस 27x³, राइट? यस। कौन था बच्चा बेटा जिसने पॉइंट आउट किया ये, प्लीज किस सेक्शन से है जी? सेक्शन सर ए सेक्स ए। कौन है बेटा? हाँ जी, हाँ जी, बाकी लोगों ने नहीं ये पॉइंट आउट किया मिस्टेक? चैतन्या एंड अश्विंदर। ओके, बाकी लोगों ने नहीं पॉइंट आउट किया ये चीज, वेट कर रहे थे कि सर ने गलत लिख दिया, गलत ही कर दिए। सभी ने कर दिया। अच्छा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलिए, सो इट विल बी 8x³ प्लस 27x³। कीजिए इसको आगे। अब हो जाएगा आगे या नहीं होगा बच्चों? सर आपने एक्स स्क्वायर लिखा, क्यूब बना। चलो, आप सर की मिस्टेक फाइंड आउट कर रहे हैं, सेवन इज वेरी गुड। 36 सर, हाँ सेवन जी, इज 36 क्यूब। 36x³ आ गया, ठीक है, 9 8 7 8 4। तो x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, भी नाइन। डिवाइड हो जाएगा हाँ जी, डिवाइड करके कितना आ रहा बच्चों, 2744। 2744। यू नीड टू चेक योर कैलकुलेशन बेटा। बच्चे 274, 8232 8232 8232। चलिए हम चेक कर लेते हैं बच्चों, देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा ये भी 4 से, 4 2 4 4 16, 4 6 24, 4 9 36, 4 6, ठीक है जी। उसके बाद 9 से डिवाइड कीजिए इसको, 18, 10 6 66, 9 7 63, देन 3 39, 9 4 36, 2744 जिसने बताया था करेक्ट है जी, ठीक है जी। सो अब 2744 इज इक्वल टू x³, सो हमें x की वैल्यू निकालनी है जी। फिर अभी 2744 का क्यूब रूट। हाँ जी, कीजिए जरा क्या आ रहा है, अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन 14। आंसर इज 14।
अच्छा द आंसर इज 14। देखिए अगर हम इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द सेकंड मेथड। दूसरा मेथड कौन सा था बच्चे? एस्टिमेशन। देखिए अगर हम एस्टिमेशन से करते हैं इसको तो लास्ट थ्री डिजिट्स, फोर नाउ लास्ट डिजिट इज फोर। फोर जो होता है वो किस डिजिट का क्यूब होता है? 4 × 4 = 16 × 4 = 64। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। एंड अवर 2, 2 लाइज बिटवीन 1 एंड 8। बच्चे 2 जो है दैट लाइज बिटवीन 1 एंड 8 मीन्स दिस इज अ क्यूब ऑफ 1, दिस इज अ क्यूब ऑफ 2, सो इट विल बी 1। तो एक्स किसके इक्वल आ गया? 14। तो हमारे नंबर क्या आएंगे बच्चों? 14, 28 and 42. We have this choice. Sir, yes. Yes, D choice is the correct answer. Is this clear? Yes. किसी को कोई क्वेश्चन मतलब कोई पॉइंट समझ नहीं आया प्लीज, कोई स्टेप नहीं क्लियर हो प्लीज टेल मी। यस और नो? इज इट क्लियर? सर यस। चलिए आगे चलते हैं जी। हाँ जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। द नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब अमंग द फॉलोइंग इज। हाँ जी द नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 243। ओके ऑल अदर आर परफेक्ट क्यूब। यस। किसने बोला बच्चे? ये ए सेक्शन से आवाज आ रही है मुझे। प्लीज स्टैंड अप बच्चे। जी मैंने देख लिया वो अपने आप खड़े हो जाएंगे। यू नीड नॉट टू, साथ वाले जो हैं उसको पकड़ पकड़ के खड़ा कर रहे हैं बेटा। शी हरसेल्फ कैन स्टैंड अप राइट, तो आपको पुश करने की जरूरत नहीं है उनको। हाँ जी बच्चे 1331 किसका क्यूब है? 11। बेटा जिससे पूछा जाए वही आंसर देगा ठीक है। 512 किसका क्यूब है? 512। आपने आपने आंसर दिया है कि 243 राइट, तो आपको पता होगा कि 512 परफेक्ट क्यूब है तभी आंसर दे सकते हो ना आप। तो आपने फिर तुक्का मारा था या चेक करके बताया था? सर चेक करके बताया था। तो फिर आपको तो बाय हार्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए बेटा क्या होता है। योर आंसर इज करेक्ट 243, बट आपको पता होना चाहिए 512 किसका क्यूब है बेटा? 8 का। सिट डाउन। हाँ जी सेक्शन 8D जयवीर। सेक्शन 8D जयवीर। यस बेटा 1331 किसका क्यूब है? 11। 11 है। उसके लिए भी साथ वाले को बताना पड़ा है? नहीं ऑलरेडी मैं पहले पूछ चुका हूं, स्टिल उसके लिए भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ी बेटा। ओके 729 किसका क्यूब होता है? ये आउट ऑफ द सिलेबस है। 729 नाइन का कैसे होता है बेटा बताएंगे आप? सर 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 9 से करेंगे क्या आंसर आएगा? 81। 81 को 9 से करेंगे। हाँ जी 729 पक्का? या दूसरे वाले बोल रहे हैं इसलिए आएगा? साथ वाला बच्चा बोल रहा है इसलिए आएगा सर। नो। हाँ नो मतलब 729 नहीं आएगा? नो आंसर आएगा 729।
वही मैं पूछ रहा हूँ, मैं उसको क्वेश्चन पूछ रहा था कि सच में आएगा या दूसरे के बोलने से आएगा। यस सच में आएगा। सच में आएगा। अच्छा चलिए जाविर एक बात बताइए, मेरी तरफ देखिए, छोड़ दो उसको, उसकी तरफ नहीं देखना ठीक है। 5 का क्यूब क्या होता है? 25। 25। वेरी गुड, है ना, 25 होता है जी। हाँ जी, सर 125। 125 बेटा, 125 तो स्क्वायर होता है 5 का। प्लीज सिट डाउन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चल, फोर्थ क्वेश्चन ठीक है जी सबको। 243 इज द राइट आंसर, ठीक है, वर्बली कर सकते थे। फिफ्थ क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ ए नंबर इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ अनदर नंबर, राइट? इफ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नंबर इज 243, देन द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज। पहले तो ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन रीड कीजिए और मुझे बताइए क्वेश्चन समझ आया है नहीं आया आप लोगों को। अच्छा, लो सर लो। कोई है ऐसा जिसको समझ आया है? प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी बताइए जरा। 8th A में 2 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, फर्स्ट आ जाइए जी, जो सेकंड बेंच। सर हाँ जी सर बेटा, सर इस क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि जो एक नंबर है उसका क्यूब है जो 8 टाइम्स उसके क्यूब के अनदर नंबर से है, और उनका सम 243 है किसका सामने बच्चे? अच्छा सर, क्यूब्स का, उनके क्यूब्स का। जी ठीक है, देन क्या फाइंड आउट करना है? सर फिर उसके बाद उनका डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, उनका नाम डिफरेंस फाइंड करना। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। हाँ जी, अब ये दूसरे बच्चे बोल रहे थे ना कि मुझे समझ आया, वो थर्ड रो में सरदार जी, प्लीज उनको दे दीजिए जी। ठीक, हाँ जी बच्चे। यस बेटा, तो इसमें है कि 2 क्यूब्स, एक क्यूब हमने सपोज एक्स करना है और दूसरा जो है वो एक्स से 8 टाइम्स है, और उन दोनों का जो सम है वो 243 है। सर हमने पहले एक्स की वैल्यू फाइंड कर कर फिर एक्स को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों सम आ जाएंगे, दोनों नंबर्स आ जाएंगे, और फिर उनका माइनस करना है। रिपीट करोगे जरा लास्ट वाला स्टेप, किसको माइनस करना है, किसको सम करना है? सर सपोज एक्स, ये मैं देखिए आपकी आप आपके ना प्रॉब्लम इजी कर देता हूँ। सपोज मेरे पास दो नंबर है एक्स और वाई, ठीक है जी। आई हैव टू नंबर एक्स एंड वाई, एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इज दिस क्लियर? अब क्योंकि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हमें पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, इज दिस क्लियर? सर एक्स का क्यूब हो गया एक्स क्यूब और वाई का क्यूब हो गया वाई क्यूब। नाउ व्हाट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन? अगर इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक इक्वेशन बनानी है बेटा, तो यस क्या इक्वेशन बनेगी? सर, एक्स क्यूब प्लस 82 y³ इज इक्वल टू 243। एक्स क्यूब प्लस 8 × y³ इज इक्वल टू 243। ओके, व्हाट एल्स? और क्या बनेगा बच्चे? आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे? पहले तो मुझे बताओ जरा। हाँ जी, कोई किसी को लगता है ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है तो प्लीज रेज योर हैंड। बच्चों प्लीज सिट डाउन बेटा, वेरी गुड एफर्ट, एटलीस्ट इन्होंने ट्राई तो की ना, बाकी लोगों से बहुत अच्छे हैं, ठीक है? सो प्लीज अदर कोई और ट्राई करना चाहे, बेशक गलत भी है कोई इश्यू नहीं है, प्लीज ट्राई। हाँ जी, सेक्शन ए में, ए में तो हो गए हैं, सेक्शन बी सी डी ई एफ, नो वन? नहीं, सेक्शन सी में कोई बच्चा? देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है द क्यूब ऑफ ए नंबर, मींस अगर नंबर आपका एक्स है तो इसका क्यूब क्या हो गया बच्चों? एक्स क्यूब। द क्यूब ऑफ ए नंबर इज 8 टाइम्स,
इज एट टाइम्स का मतलब है कि इज इक्वल टू एट टाइम्स द क्यूब ऑफ अदर नंबर्स, यही गिवन है बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है आपको, यस और नो? यस क्यूब ऑफ अ नंबर इज एट टाइम्स द क्यूब ऑफ अदर नंबर, क्लियर है जी यहां तक? सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नंबर इज 243, ये सेकेंड इक्वेशन गिवन है जी, यस और नो? सर यस सेकेंड इक्वेशन यही गिवन है बच्चों। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक ये आ गई जी, कैसे सॉल्व करें इनको, कौन बताएगा अभी है? रेज योर हैंड्स। अब मैंने आप लोगों का काम इजी कर दिया है, अब मुझे ये बताइए कि कौन सॉल्व करेगा इसको। यस टेल मी बच्चों। सर हाँ जी रेज योर हैंड, पहले कौन से सेक्शन से हैं आप? हाँ जी अभी आप ही आ जाइए, आ जाइए बेटा, आ जाइए माइक पे आ जाइए। सर पुट वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 y³ इन इक्वेशन 2। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। अब एक्स क्यूब की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दें हम, राइट? सो क्या आ गया यहाँ पे बच्चों, 8 y³ एट प्लस वाई क्यूब y³ वाई क्यूब इज इक्वल टू 243। 243। आप क्या करें जी, एट सर एड एड 8 y³ प्लस y³ इज इक्वल टू 9 y³। इनको हम ऐड कर सकते हैं बेटा, यस वाई बिकॉज बेसिस आर सेम। लाइक टर्म, लाइक टर्म्स, किसने बोला लाइक टर्म? वेरी गुड बच्चे, दे आर लाइक टर्म। वेरिएबल्स अगर आपके लाइक नहीं है सो यू कांट ऐड देम, बट हेयर दे आर लाइक टर्म्स सो वी कैन ऐड देम। तो हमने जब इनको ऐड किया तो ये क्या बन गया बच्चों, वाई नाइन वाई क्यूब क्यूब इक्वल टू 243। 243। नाउ व्हाट विल बी वाई क्यूब? डिवाइडेड बाय टू 243 फोर्टी थ्री डिवाइड डिवाइड बाय नाइन बाय 9 विच कम्स इक्वल टू 27। 27। 27। सो वाई क्यूब इज 27, तो वाई कितना आ जाएगा बच्चों, तो वाई इज इक्वल टू 3। यस नाउ हाउ विल यू फाइंड नाउ एक्स, एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों बताइए जरा। आपको दोनों का डिफरेंस एक्सक्यूज मी देना सर, है। हाँ जी हाँ सब जी फ्रॉम सर वी विल फाइंड एक्स फ्रॉम इक्वेशन वन। सर अच्छा जी कैसे हैं, वाई बोलिए बोलिए, ठीक बोल रहे हो आप की वैल्यू फिल बेटा। करके। हम यहाँ पे वाई क्यूब की वैल्यू फिल कर दे सीधा, यस एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू 8 इंटू y³ 243, कितना था, 27। 27। 27 राइट। यस सो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बन गया बच्चों ये 116। 216। तो एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, 6। 6। एक्स कितना आएगा, 6 6। राइट जी, तो एक्स 6 आ गया। नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन, व्हाट यू हैव टू फाइंड, सर अभी अब इनका डिफरेंस फाइंड करना है। एक्स माइनस वाई फाइंड आउट करना है, तो यस एक्स 6 वाई इज 6 - 3 इज इक्वल टू हाँ थ्री। प्लीज, क्लियर थ्री है जी ये? कितने यस लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, बिकॉज इट वॉज नॉट ए सिंपल क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना। इस स्टेप किसी बच्चे को नहीं समझ आया, प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट्स डाउट्स प्लीज, नो डाउट, सबको समझ आ गया है जी ये, यस कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए नोट कीजिए फिर इसको, हो गया बच्चों नोट, आगे क्वेश्चन में चलें। सर यस सर प्लीज वेट। लो जी
आई होप इतना तो आपने नोट कर लिया होगा ऊपर वाला। अब हाँ जी हो गया, कर दूँ ना बेटा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए बच्चा। सर्चन रीजंस, फर्स्ट क्वेश्चन इज 125 इज ए परफेक्ट क्यूब। रीजन, परफेक्ट क्यूब इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर 3 टाइम्स। ट्रू, ट्रू ट्रू 125 इज ए परफेक्ट क्यूब। यस विच नंबर्स इट क्यूब इज? फाइव। फाइव और क्यूब का मतलब क्या होता है? 5 × 5 × 5। सो रीजन यस गिवन है, द परफेक्ट क्यूब इज रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर 3 टाइम्स, सो इट इज ट्रू। यस नेक्स्ट इज बोथ द ट्रू। इसके अंदर कौन सी चॉइस आएगी बच्चे? बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड ए बी इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, सेकंड पे आ जाइए जी। व्हाट हैपन बच्चे? क्लास सेक्शन एफ। टाइम इज ओवर। ओके बच्चों, सो आई होप द टॉपिक माइट बी क्लियर टू यू। कोई डाउट बच्चों? ओके राइट बच्चों, टुमारो विल स्टार्ट विद क्वाड्रिलेटर्स, सो थैंक यू वेरी मच। बाय बच्चों। हाय सर।